सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं मनीष सोनी आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल MKS क्लासेस में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग 10वीं कक्षा के त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग को एक दूसरा नाम हम लोग दे सकते हैं, ऊंचाई एवं दूरी, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें से हमने त्रिकोणमिति को ख़त्म कर दिया। अब त्रिकोणमिति को ख़त्म करने के बाद हमारा ये अध्याय आता है। ये अध्याय आपको तब समझ में आएगा जब आप त्रिकोणमिति पूरा देख लेंगे और अपने आप में समझ लेंगे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप लोगों से निवेदन है कि यह देखने के पहले, इस वीडियो को देखने से पहले, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जितने भी लिंक है उसको ओपन करेंगे, उसको देखेंगे, तब ये आपको बेहतर रूप से समझ में आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जैसा कि हमने बताया कि इसका दूसरा नाम हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी भी दे सकते हैं। अब ये चैप्टर लगाने से पहले मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, वो बात क्या है कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में अगर इम्पॉर्टेंट सबसे अधिक कुछ भी है तो है चित्र, मतलब फिगर। अगर आप लोग फिगर ड्रा कर ले गए तो आप ये समझिए 90% आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे फंसते कहाँ हैं? फिगर ड्रा करने में। अब फिगर ड्रा करने के लिए आपको बेहतर रूप से सवाल समझ में आना चाहिए। जब तक आप सवाल नहीं समझेंगे तब तक आप फिगर ड्रा नहीं कर पाएंगे। अब हम चलते हैं अपने इस प्रश्नावली में। इसमें चलने से पहले हम बार बार दो शब्दों को पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे उन्नयन कोण और एक पढ़ेंगे अवनमन कोण, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब इन शब्दों का पहले हम मतलब समझ लेते हैं कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण वास्तव में होता क्या है। तो सबसे पहले इस चीज को समझने के लिए, इस बोर्ड पर हम फिगर ड्रा कर रहे हैं, आप उन्हें समझेंगे क्या होता है उन्नयन और क्या होता है अवनमन। जैसा कि सबको पता है कि इस पृथ्वी पर सब लोग कहाँ से रहते हैं, पृथ्वी के इस पृष्ठ पर रहते हैं। तो मान लेते हैं एक लड़का है, फिगर हम अच्छा बना नहीं पाते हैं, एक लड़का है जिसका नाम गोलू है। क्या है भैया? गोलू है। और गोलू कहाँ खड़ा हुआ है? पृथ्वी माता पर, मतलब पृथ्वी पर खड़ा है। अब गोलू के ऊपर एक पतंग उड़ रहा है। क्या उड़ रहा भैया? पतंग उड़ रहा है। अब क्या होगा, गोलू की एक दृष्टि क्षैतिज जाएगी, कहाँ जाएगी? क्षैतिज। और जो दूसरी दृष्टि है वो जाएगी पतंग पर। अब हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को मिला देंगे। मिलाने के बाद यहाँ कोई एक कोण बनेगा। क्या बनेगा? कोण। और उसी कोण को हम लोग क्या कहेंगे भैया? थीटा। और वो जो थीटा कोण होगा उसे हम लोग एक नाम देंगे जिसका नाम होगा उन्नयन कोण। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम सीधी सीधी भाषा में बताएं उन्नयन कोण क्या होता है, तो सपोज करिए हम प्रेक्षक हैं, हम ही प्रेक्षक हैं, और हमारे ऊपर, मतलब आप ये समझिए कि आसमान में एक पतंग उड़ रहा है। हम पतंग को जब देखेंगे तो क्या होगा, एक हमारी नेत्र से हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी और एक हम क्या देखेंगे भैया? पतंग देखेंगे। और इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को क्या करेंगे, इस चीज को इससे मिला देंगे। और जब इससे मिला देंगे तो यहां जो कोना बनेगा उस कोना को ही हम लोग क्या नाम देंगे भैया? उन्नयन कोण देंगे। मतलब जब प्रेक्षक से, प्रेक्षक के ऊपर स्थित कोई वस्तु होता है और जब प्रेक्षक उस वस्तु को देखता है तो उसके नेत्र और उस वस्तु के मध्य में जो कोण बनता है उसी कोण को क्या नाम देते हैं? उन्नयन कोण देते हैं। इतना हो गया। और दूसरा, अगर हम बात करें अवनमन कोण के बारे में, तो इसका जस्ट अपोजिट होगा। आप ये मान लीजिए कि एक लड़का है और वो एक इमारत पर खड़ा है। कहाँ खड़ा है? इमारत पर, या कहीं भी खड़ा है, मतलब वो किसी ऊंचाई पर खड़ा हुआ है।
और पृथ्वी माता पर कोई एक वस्तु रखा गया है, वो बॉल भी हो सकता है, मतलब कोई एक वस्तु है, जब उसे देखेगा तो उस कंडीशन में अवनमन कोण बनता है। मतलब इसका अगर इस सीधा स्टेटमेंट हम लोग दें तो जब प्रेक्षक के नीचे कोई वस्तु स्थित होता है और जब प्रेक्षक उसे देखता है तो कौन सा कोण बनता है? अवनमन कोण बनता है। अगर इसका फिगर हम लोग ड्रा करें तो आइए मान लेते हैं एक हमारे पास यहाँ पृथ्वी है, पृथ्वी पर एक हमारा इमारत बना हुआ है और इस पृथ्वी पर एक लड़का खड़ा हुआ है जिसका नाम मान लेते हैं भैया क्या है? गोलू है। अब एक वस्तु यहाँ रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है? एक वस्तु रखा गया है। कहाँ रखा गया है? पृथ्वी माता पर रखा गया है। अब क्या होगा, वो लड़का क्या करेगा भैया? इस वस्तु को देखेगा तो लड़का ऊपर है, वस्तु कहाँ है? नीचे है। तो हमने कहा प्रेक्षक ऊपर जब रहे वस्तु नीचे रहे, और जब प्रेक्षक उस वस्तु को देखेगा तो उस कंडीशन में कौन कोण बनता है? अवनमन कोण बनता है। चलिए, एक तो उसके नेत्र के समांतर जाएगा और दूसरा भैया कहाँ जाएगा? उस वस्तु की तरफ जाएगा। तो यहाँ जो कोण बनेगा इसी कोण को हम लोग एक नाम देंगे, अवनमन कोण देंगे। क्या देंगे भैया? अवनमन कोण देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है लाइन और ये जो आपको दिखाई दे रहा लाइन और एक लाइन ये आपको दिखाई दे रहा है, तो प्यारे दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होता है कि जब दो समांतर रेखाओं को, सपोज करिए आपके पास दो समांतर रेखाएं हैं और जब कोई तीसरी रेखा काटती है तो उनके एक अंतांतर कोण बने, इनके एक तरफ ये कोण और ये जो कोण होगा वो आपस में क्या होता भैया? बराबर होता है, और उसी कोण को हम लोग क्या कहते हैं? एकांतर कोण। तो इस कंडीशन में जितना कोण ये होगा वही कोण ये भी होगा, मतलब अगर ये अवनमन कोण होगा तो ये भी क्या होगा? अवनमन कोण थीटा होगा। तो हम आशा करते हैं आपको उन्नयन और अवनमन समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसकी परिभाषा लिखना है तो आप ऐसे सीधा सीधा लिख लीजिएगा, जब प्रेक्षक नीचे होता है वस्तु ऊपर होता है और प्रेक्षक जब उस वस्तु को देखता है तो वहाँ उन्नयन कोण बनता है, और जब प्रेक्षक किसी इमारत पर या कहीं ऊंचाई पर खड़ा होता है और तब वस्तु को नीचे जब देखता है तो वहाँ कौन सा कोण बनता है? अवनमन कोण बनता है। चलिए, अब इसके बाद में उन्नयन अवनमन समझ में आ गया, अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 9.1 में चलते हैं, जिसमें से हमारा जो पहला क्वेश्चन है। अब फिगर आप लोग क्या करेंगे? ड्रा कर लेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूम पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूम स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण 30 डिग्री हो, उन्नयन कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो। तो जैसा कि आप लोग देखे भी होंगे कि सर्कस वर्कस में क्या होता है कि कलाकार क्या करता भैया, ऐसे एक खंभा खड़ा होता है और खंभा को पृथ्वी में गाड़ देते हैं और इसके बाद में इसके एक शिखर को क्या करते हैं? इस रसरी से बांध देते हैं और क्या करता है कलाकार इस पर क्या करता भैया? चढ़ता है। तो चलते हैं जैसा क्वेश्चन का वैसा फिगर ड्रा करेंगे। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूम पर सीधे लगे हुए खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। तो चलते हैं, ये हो गया पृथ्वी, ये क्या हो गया? पृथ्वी। और पृथ्वी माता में, ठीक है ना, एक हमारा खंभा गड़ा हुआ है। अब क्या होगा, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। तो चलते हैं, ये भैया 20 मीटर इस डोरी की जो लंबाई है वो कितना है? 20 मीटर है। ये इसकी लंबाई कितना हो गया? 20 मीटर। और रस्सी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूम पर सीधे खंभे के शिखर से क्या भैया? यहाँ बंधा हुआ है। यदि भूम स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण, देखिए भूम के साथ
जो उन्नयन कोण बना रहा उसका मान कितना है, 30 डिग्री है। तो खंभे की क्या बताना है, ऊंचाई, तो ये मान लेते हैं कितना है h। इसका नामकरण ए बी सी कुछ भी आपको करना हो, पी क्यू आर, लेकिन चलो ए बी सी अच्छा लगता वही नाम दे दिया। अब ध्यान दीजिएगा, चूँकि हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोण मिति के कुछ अनुप्रयोग, तो जाहिर सी बात है समकोण त्रिभुज ही होगा बार बार हमारा, और ये आपको दिखाया दिया गया समकोण त्रिभुज ही है। अब क्या होगा, पहला स्टेटमेंट होगा मान लिया खंभे BC की ऊंचाई बराबर h मीटर। बच्चा लोग आप अगर PQ मानेंगे तो PQ लिखिएगा, जो मन कहे वो करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि यही हमारा खंभा है। अब इसके बाद क्या कह रहा है, ठीक है ना, ये हमारा हो गया लंब, ये हमारा क्या हो गया लंब, और ये हमारा क्या हो गया कड़। अच्छा, लंब और कड़ का रिश्ता कौन देता है, साइन देता है ना। अब चाहे साइन लिखिए चाहे कॉसेक लिखिए, लेकिन चलिए साइन ही लिखेंगे हम लोग, कॉसेक भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो लंब और कड़ का रिश्ता कौन देता है, साइन देता है। तो पहला चीज होगा त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो जैसा कि हमने बताया यहाँ साइन का रिलेशन फॉलो होगा, तो हो जाएगा कितना आपके पास, साइन थीटा बराबर का होता है लंब बटा कड़। और इसके बाद में लंब का मान कितना है बी सी, और कड़ का मान कितना है ए सी। अब इसके बाद दिस एम्प्लाइज साइन, और थीटा कितना बनना है 30 डिग्री, और लंब कितना है एच, और कड़ कितना है 20, और साइन 30 का मान कितना होता है हाफ एच बाई 20। क्या ज्ञात है हमारे पास एच, तो उस कंडीशन में 20 का डिवाइड है, ट्रांसफर करेंगे तो मल्टीप्लाई, मतलब हर वाला अंश में होगा 20/2 इक्वल एच, या एच इक्वल कितना हो जाएगा, एच इक्वल हो जाएगा आपके पास 2 × 2 = 2 × 2 = 20, एच बराबर 10 मीटर, अर्थात खंभे की ऊंचाई बच्चा लोग कितना होगा 10 मीटर, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार पुनः समराइज कर दे रहा हूँ, जैसा कि मैं आपको बताया कि बिना फिगर ड्रा किए हुए क्वेश्चन आप कभी लगा नहीं सकते हैं, तो आप फिगर तब ड्रा कर पाएंगे जब क्वेश्चंस को भली भांति आप पढ़ करके समझ ले जाएंगे। जब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा तो फिगर ड्रा हो जाएगा, और जब फिगर ड्रा हो जाएगा तो आपके क्वेश्चंस ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। चलिए नोट करिएगा, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो जाहिर सी बात है भाई, आंधी आएगा तो पेड़ टूटेगा अगर कमज़ोर होगा तो। कह रहा आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर का मतलब क्या होता है, सबसे ऊंचाई से हम लोग पुनई कहते हैं। कह रहा पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है पेड़ के पाद बिंदु, पाद का मतलब होता है आधार। तो कह रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। हमें ज्ञात करना है पेड़ की ऊंचाई, तो चलते हैं। सबसे पहला चीज हम बनाते हैं एक पेड़, और पेड़ कहाँ टिका होता है, पृथ्वी माता पर। तो चलिए ये हमारा हो गया जमीन, और जमीन में एक हमारा क्या है भैया, पेड़ लगा हुआ है, जमीन से एक पेड़ हमने लगा दिया, ये ध्यान दीजिएगा ये पेड़ हमारा लग गया। अब चलो आंधी आएगा तो जाहिर सी बात है पेड़ टूटेगा, और टूटेगा तो कहाँ से टूटेगा, ऊपर वाला भाग टूटेगा, और मान लेते हैं यही भाग टूट करके, ध्यान दीजिएगा यही भाग, ठीक है ना, पेड़ हमारा ऐसा कुछ था और जब आधी आया तो ये टूट गया, और टूटने के बाद पूरा कहाँ लगा, पृथ्वी से। तो इसको हम लोग जितना भाग टूटा है उतने भाग पृथ्वी से टच करा दिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा कह रहा है भाई, क्वेश्चन यही कह रहा है ना कि एक पेड़ है, आंधी आ गया टूट गया, ऊपर का टूटा हुआ भाग पृथ्वी से लग गया, और जैसे पृथ्वी से लगेगा एक कोण बनेगा। तो चलते हैं फिर क्या कह रहा है कि
कह रहा है जमीन के साथ टूटा हुआ भाग 30 डिग्री का कोण बनाता है। इसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद का मतलब पेड़ का आधार मतलब जड़, पेड़ कहीं भी होगा तो उसका जड़ तो लगेगा ना, तो वही कह रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो कितना है भैया, 8 मीटर है, उसकी डिस्टेंस दे दिया गया है 8 मीटर। इसके बाद क्या पूछ रहा, कह रहा पेड़ की ऊंचाई बताओ, तो भैया चलिए हमने मान लिया पूरे जो पेड़ की ऊंचाई है वो कैपिटल एच मीटर है, तो मान लिया इसका नामकरण कर देते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं भैया लोग ए, इसका नाम ए, और यहाँ बी, यहाँ सी, और यहाँ क्या कर देते हैं, डी कर देते हैं। मान लिया पेड़ की ऊंचाई, मान लिया पूरे पेड़ की ऊंचाई, पूरे पेड़, अच्छा पेड़ का नाम दे देते हैं भैया क्या है, ए बी, मान लिया पूरे पेड़ ए बी की ऊंचाई, ऊंचाई एच बराबर आठ, सॉरी पेड़ की ऊंचाई एच मीटर है, कितना है एच मीटर। अच्छा इतना तो हो गया, हमने मान लिया इस पूरे पेड़वा की ऊंचाई कितना है, कैपिटल एच मीटर है। अब ध्यान दीजिएगा, और ये मान लेते हैं कि ये वाला जो भाग है उसे मान लेते हैं स्मॉल एच, तो ये कितना हो जाएगा, पूरा है कैपिटल एच और इतना स्मॉल एच, तो इतना कितना हो जाएगा, अगर बड़े दूरी में से ये दूरी निकाल दें तो कितना बचेगा, एच माइनस स्मॉल एच, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा, अरे भाई बड़ा दूरी कैपिटल एच है और इस चीज़ को निकाल देंगे तो इतना मेरा बचेगा ही बचेगा, तो यहाँ से अगर ये एच होगा तो ये भी क्या होगा, एच होगा, क्योंकि इतना ही भाग आकर के पृथ्वी से लगा हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से सबसे पहला चीज, ये लंब होगा, ये आधार होगा, और ये क्या होगा, कर्ण होगा। तो चलते हैं समकोण त्रिभुज डीबीसी में, समकोण त्रिभुज डीबीसी में पहले आप मन कहे साइन ले लीजिए, फिर मन कहे टेन, जो कोई इच्छा कहे वो लीजिए, हमको मत फॉलो करिए, अपने मन से लगाइए, ना लगा पाइए तब हमें फॉलो करिए। अब क्या होगा, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, लंब और आधार का रिश्ता कौन देता है, टेन, तो हो जाएगा क्या, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, और लंब का मान कितना है, बी डी है, आधार का मान कितना है, बी सी है। अब बच्चा लोग क्या हो जाएगा, यहाँ से दिस एम्प्लाइज टेन थीटा, और थीटा कितना बनना है, 30 डिग्री, तो टेन 30 मैंने कर दिया, और इसके बाद में जो बी डी हमारा है वो कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच है, और आधार हमारे पास कितना है, 8 है, और टेन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1 बाई रूट थ्री मैंने कर दिया, और एच माइनस स्मॉल एच बाई 8 कर दिया, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई बिटवीन, देन वी गेट एच माइनस स्मॉल एच इक्वल 8 बाई रूट थ्री, हमें एक वैल्यू मिला कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच इक्वल 8 बाई रूट थ्री मिला। अच्छा हमें क्या निकालना था, पूरे पेड़ की ऊंचाई निकालना था। अब इसके बाद क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद वही होगा जो हमें करना है, क्या करना है, ये लंब है और ये कर्ण है, लंब और कर्ण का रिश्ता कौन देता है बच्चा लोग, साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो पुनः समकोण त्रिभुज डीबीसी में क्या होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब कितना है, लंब है बी डी, और कर्ण कितना है भैया लोग, कर्ण हमारे पास है सी डी। अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्या देना है, थीटा के वैल्यू को पुट करना है, साइन थीटा कितना है 30, इसके बाद में बी डी कितना है, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, और कर्ण कितना है, स्मॉल एच है भैया लोग। अब आइए साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, हाफ, तो यहाँ से
हाफ इक्वल एच माइनस स्मॉल एच बाई स्मॉल एच। यहाँ से क्या होगा, इसके एच स्मॉल एच का क्या डिवाइड है ना, और उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई मतलब हर वाला अंश में हो जाएगा। इसके बाद में एच माइनस स्मॉल एच, या लिख सकते हैं एच माइनस स्मॉल एच इक्वल एच बाई टू। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास समीकरण एक मान लेते हैं और ये समीकरण दो मान लेते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट हैंड साइड ईच अदर इक्वल, देन राइट हैंड साइड आल्सो ईच अदर आर इन इक्वल हो जाएगा। अरे भाई लेफ्ट हैंड साइड बराबर है समीकरण एक और दो के ना, तो उसके राइट हैंड साइड भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिख दे रहे हैं समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से, तो समीकरण एक व दो से हो जाएगा कितना आपके पास, लिख दिया जाए 8/√3 इक्वल एच बाई टू। अब हो जाएगा 8 × 16 16/√3। अब इसका मान एक काम करते हैं, समीकरण एक या समीकरण दो में इस वैल्यू को रख देते हैं, तो जहां मन कहे वहीं रख दीजिए। का मान समीकरण एक में रखने पर, का मान समीकरण एक में रखने पर, तो आइए समीकरण एक कितना है, समीकरण एक आपके पास है एच माइनस स्मॉल एच 16/√3, और इसके बाद में कितना है 8/√3 एच इक्वल 8/√3 है, माइनस है ना, उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 16 × 4 = 20 = 24 24/√3, और 24 को लिख सकते हैं 8 × 3 = 24, और 3 को लिख सकते हैं √3 × √3। तो इस प्रकार से 24 का हम अगर खंडन कर दें, 24 का खंडन कर दें तो हो जाएगा क्या, ध्यान दीजिएगा h इक्वल 8 × 3, और 3 को √3 × √3, और √3 से √3 हो जाएगा फ्री, और हमें मिलेगा कितना h इक्वल 8√3 मीटर। तो बच्चा लोग हमें उस पेड़ की ऊंचाई कितना मिला, उस पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर मिला, नोट करिएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, लेकिन एक बार हम इस क्वेश्चन को पुनः समराइज कर दे रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन से यही कह रहा है ना कि एक पेड़ था, आंधी आ गया, टूट गया, और टूटने के बाद पेड़ का पुनई, पुनई का मतलब अगर गणित में बोले तो शिखर, अब उसका जो शिखर होगा वो टूट करके पृथ्वी से लगा, और पृथ्वी के साथ जब लगा तो उसके साथ कोई एक कोण बना, वो कोण कितना है 30 डिग्री। इसके बाद पेड़ का पाद बिंदु, पाद बिंदु से जहाँ पेड़ का शिखर पृथ्वी से लगा उसकी डिस्टेंस दे दिया है 8 मीटर, तो कह रहा पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। तो सपोज हमने किया कि पेड़ की जो ऊंचाई है वो कैपिटल एच मीटर है, इसके बाद हमारे पास लंब, आधार और कड़ तीनों में से हम एक बार लंब और कड़ का रिलेशन फॉलो करेंगे, जो कि साइन थीटा फॉलो कराएगा, और लंब आधार को कौन फॉलो कराएगा, टेन थीटा। तो इस प्रकार से हम दो बार में दो त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग किए हैं, और उसके बाद दो इक्वेशन हमने बनाए, और उस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं तो उसके राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, और हमने स्मॉल एच के वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लिया, और स्मॉल एच के वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में कहीं भी पुट करेंगे तो कैपिटल एच की वैल्यू मिलेगी, और वही कैपिटल एच की वैल्यू जो होगी उसे पेड़ की पूरी पूरी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। और हाँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे हम लगाएं वैसे आप भी लगाइए, आप कोई और भी फंडा फॉलो कर सकते हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए और आंसर 8√3 आना चाहिए, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आप देखेंगे बोर्ड पर लिखा क्या है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो कि भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती
बनाती हो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, अब इसमें से क्या है, आप लोग पार्क वार्क में तो गए ही होंगे, अब पार्क में देखते होंगे कि खासकर क्या होता है फिसलन पट्टी। फिसलन पट्टी का मतलब क्या होता है, फिसलने वाला एक क्या होता है, स्लोप होता है, एक ढाल होता है, उस पर बच्चे क्या करते हैं फिसलते हैं, उनको बहुत आनंद आता है। तो पार्क में यही सब लगा होता है। अब उसमें पार्क में दो कैटेगरी के लगे हैं, एक 5 साल के कम बच्चे वाले उसमें क्या करेंगे फिसलेंगे, और एक 5 साल के ऊपर के जो बच्चे होंगे उस पर फिसलेंगे। तो यही कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में दो फिसलन पट्टी लगाना चाहता है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। ध्यान दीजिएगा, एक हम बनाएंगे 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए। अच्छा चलिए चलते हैं, 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए भैया क्या कह रहा है, यही कह रहा है कि जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो, प्रत्येक स्थिति में हमें फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी यही ज्ञात करना है। तो आइए चलिए भैया, बच्चे लोग क्या करेंगे, यही पर स्लीप खाएंगे, फिसलन पट्टी हमारा यही है। अब क्या है, पहला चीज जो हमारे 5 वर्ष के बच्चों के लिए है उसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। तो चलिए इसका जो शिखर है इसका डायमेंशन 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। और इसके बाद में क्या कह रहा है, इसके बाद में ये कह रहा है कि 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, ये हो गया 30 डिग्री के कोण पर, प्रत्येक स्थिति में हमें ज्ञात करना इस फिसलन पट्टी की लंबाई। तो हमने मान लिया इस फिसलन पट्टी की लंबाई कितना है भैया, यल है। और इसके बाद में फिर क्या कह रहा, 5 वर्ष से ऊपर के जो बच्चे होंगे, 5 वर्ष से ऊपर के जो बच्चे होंगे उनका ढलान और कर दिया गया है। और इसके बाद क्या कह रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है, कितना बना रहा है 60 डिग्री का। और इसके बाद में वह 3 मीटर की ऊंचाई पर है, इसका जो ऊंचाई है 3 मीटर है। और इसके बाद यहाँ भी क्या कर रहा है, फिसलन पट्टी की हमें क्या बताना भैया, लंबाई बताना, जो कि हमने इसको भी मान लिया यल। तो यहाँ पर हमने मान लिया यल डैश मान लिया, चलिए ये हो गया। और इसको अगर थोड़ा और अच्छा बनाए फिगर, तो इसको कुछ हमने ऐसा कर दिया 30 डिग्री, चलिए चला जाए। इसका नाम कर देते हैं ए बी सी और इसका नाम कर देते हैं पी क्यू आर। तो मान लिया 5 वर्ष के बच्चों के लिए, मान लिया 5 वर्ष के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई एल मीटर है, कितना भैया एल मीटर है, तथा 5 वर्ष से अधिक के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई एल डैश मीटर है। तो दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, दोनों को बारी बारी से हल कर ले रहे हैं। समकोण त्रिभुज ABC में ये हमारे पास लंब है और ये आधार है, तो लंब और आधार का रिश्ता कौन देता है टैन। तो लिख सकते हैं टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। बच्चा लोग लंब का मान है BC और आधार का मान कितना है AB। इसके बाद क्या होगा, चलिए चलते हैं। इसके बाद यही होगा कि टेन थीटा कितना बनना है 30 डिग्री, मैंने लिख दिया। लंबाई कितना है 1.5, अच्छा आधार कितना है, सॉरी लंब और कड़ का रिश्ता लगेगा, क्यों, क्योंकि साइन लंब और कड़ यहाँ लगेगा, साइन थीटा,
साइन थीटा लंब बटा कर्ण, और कर्ण का मान कितना है, एसी है। चलिए चलते हैं, अब आइएगा, दिस एम्प्लाइज साइन थीटा, थीटा माने कितना है भैया 30 डिग्री, और लंब कितना हमारे पास है 1.5, कर्ण कितना हमारे पास है एल, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होला हाफ, और 1.5 बट्टा कितना है भैया एल। अच्छा ये बताओ, तिरछा गुणा अगर कह दी हम तो एल करने में कितना हो जाए एल, और डेढ़ दुना कितना होला 3 होला ना, तो यल बराबर हो गए 3 मीटर। अर्थात जोन 5 वर्ष के लड़के हैं ना, ओकर फिसलन पट्टिया के जो लंबैया होगा वो कितना होगा 3 मीटर हो जाएगा। अच्छा अब इसी प्रकार से हम लोग इसका भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो चलते हैं इसी प्रकार समकोण त्रिभुज, ठीक है ना, पी क्यू आर में, और फिर से वही लंब और कर्ण लगेगा क्योंकि लंब दिया है कर्ण अज्ञात है, तो साइन थीटा बराबर लंब कितना है आर क्यू है। अच्छा कर्ण कितना हमारे पास है प्यार है, प्यार का मतलब पी आर, और साइन थीटा, थीटा कितना है 60, इसके बाद आर क्यू कितना है 3, और पी आर कितना है एल डैश, और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, और √3/2 और 3/L-, अक्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एल डैश यहाँ चलाएगा, 3×2/√3 हो जाएगा, और यहाँ से 3 को लिख सकते हैं √3×√3, √3 से √3 हो जाएगा 3, और इसके बाद एल डैश बराबर हो जाएगा आपका कितना 2√3 मीटर। नोट करिए, तब तक हम उत्तर भी मिलान कर ले रहे हैं। यार विशाल, उत्तर हमने मैच करा लिया, किताब के उत्तर से मैच कर रहा है। 5 वर्ष के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर होगा, और 5 साल से ऊपर के बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई कितना रहेगा भैया 2√3 मीटर होगा। नोट करिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा भैया लोग, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, पाद का मतलब होता है आधार, कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो कह रहा मीनार की ऊंचाई, तो आओ चलते हैं भैया पहले फिगर ड्रा करेंगे। मीनार की ऊंचाई पूछा है, तो मान लिया भैया मीनार की ऊंचाई फलाने धमाके जो मानना हो मान लीजिए, तो आइए मान लिया मीनार की ऊंचाई, मान लिया मीनार की ऊंचाई एच मीटर है। अच्छा अगला पृष्ठ आप क्या कह रहा है, कह रहा है फिर से एक बार सवाल पढ़ रहे हैं, भूमि के एक बिंदु से, चलो भैया भूमि बना देते हैं, पृथ्वी माता बना दिया जाए, यहाँ से एक हमारी पृथ्वी माता बन चुकी हैं, ठीक है ना, छोटा सा पार्ट है। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, तो भैया तुम मीनार इसी पर खड़ा कर दीजिए, हाई देखिए 4 मीनार बन चुका है, इसका नामकरण ए बी कर देते हैं, और यहाँ से भी इसका नाम यहाँ ए बी, मान लिया मीनार ए बी की ऊंचाई एच मीटर। अब यहाँ से भूमि का कोई एक पोजीशन ले लेते हैं, सपोज करते हैं यही हमारा जो पॉइंट है। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, हाई मीनार का पाद हो गया, मीनार के पाद से भूमि के एक बिंदु की दूरी है 30 मीटर, जो कि इसकी डायमेंशन 30 मीटर, डिस्टेंस 30 मीटर हो गया। कह रहा पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर, शिखर का मतलब पुनैया, और यहाँ से इसको मिला देंगे तो एक कोण बनेगा, उस कोण का नाम होगा उन्नयन कोण, और उसका कोण का मान दे दिया गया 30 डिग्री, और कह रहा मिनरवा के ऊंचैया, तो मिनरवा की ऊंचैया कितना माने हैं कैपिटल एच मीटर मान लिया है। तब अब ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एक लंब है और एक आधार है, तो बच्चा लोग लंब और आधार का संबंध कौन देता है, टैन देता है, तो यहाँ से लिखते क्या हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में का होगा टैन थीटा, अब बराबर का होगा लंब बटा आधार होगा, लंब का मान है ए बी, आधार का मान कितना है भैया लोग बी सी है,
अब इसके बाद आइए क्या करते हैं, मनवा सब रख देते हैं, टेन थर्टी थीटा कितना है 30 डिग्री हो रहा है, और लंब कितना है कैपिटल एच है, आधार कितना है भैया 30 है, तो टेन 30 का वैल्यू कितना होता है भैया 1/√3 होता है, तो यहाँ टेन 30 के वैल्यू को पुट कर दिया 1/√3, इसके बाद में एच बाई 30, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई बिटवीन, वी गेट एच इक्वल 30/√3। ए बच्चा लोग 30 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 10 30 हो जाएगा ना, और फिर 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं, तो इस कंडीशन में एच बराबर हो जाएगा 3 × 10/√3। इस √3 को हटाने के लिए 3 को लिख सकते हैं √3 × √3, और √3 से √3 हो जाएगा फ्री, इसके बाद एच बराबर हमें मिलेगा 10√3 मीटर। यही हमारे भैया मीनार की क्या हो जाएगी ऊंचाई, नोट करिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। पतंग तो उड़ता ही उड़ता है, कहाँ उड़ता है आसमान में उड़ता है, तो कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग क्या कर रहा भैया, उड़ रहा है। पतंग में लगी डोरी को अस्थाई रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। पहले क्या किया लड़के ने, पतंग उड़ाया, पतंग जब उड़ गया ऊपर तो पतंग का जो रसरी है मतलब धागा जो है, उस धागे को अस्थाई रूप से पृथ्वी पर एक जगह क्या कर दिया भैया, उसको बांध दिया, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या कह रहा है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढीला ढाला नहीं है, डोरी एकदम तना हुआ है, कसा हुआ है। कह रहा डोरी की लंबाई हमें ज्ञात करना है, तो चलते हैं भैया, मान लिया डोरी की लंबाई, चलिए पहले हम एक काम करते हैं, हाई पृथ्वी हो गया और मान लेते हैं पतंग हमारा यही है, मान लेते हैं पतंग जो हमारा है यहाँ जो है पतंग उड़ रहा है, ठीक है ना। अब पतंग उड़ रहा है तो पृथ्वी से कोई ना कोई एक हाइट दे दिया गया है, वो हाइट कितना दे दिया गया भैया, 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है। पतंग उड़ेगा तो नीचे एक लड़का जरूर मतलब धागे में बांध कर उड़ाएगा, अब उस धागे की हमें लंबाइयाँ बताना है, कह रहा डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई, अब क्या होगा, इस डोरी को हमने पृथ्वी से बांध दिया है और इस डोरी की लंबाई हमने मान लिया एल मीटर। अब आइए यहाँ से क्या होगा, चलिए इसका नामकरण ए कर दिया, बी कर दिया, सी कर दिया, मान लिया डोरी की लंबाई एल मीटर है, मान लिया डोरी की लंबाई, ठीक है ना, ए सी बराबर कितना है एल मीटर है। अब इसके बाद में कोई ना कोई एक कोण बना रहा हो, कोण कितना बना रहा भैया, 60 डिग्री कोण बना रहा है, थीटा 60 डिग्री बन रहा है। अब आइएगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में अच्छा लंब और कड़ का रिश्ता कौन देता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कड़, लंब है ए बी और कड़ कितना है ए सी है, और साइन थीटा और थीटा माने कितना है भैया 60 है, लिख दिया गया, इसके बाद ए बी कितना है 60 है और ए सी कितना है यल है, साइन 60 का वैल्यू √3 होता है 2 और 60 कर दिया यल अज्ञात है, यल को ट्रांसफ़र कर देंगे तो हो जाएगा, फिर इसको भी ट्रांसफ़र 2/√3, और 60 को लिख सकते हैं 20 तिया कितना होता है 60 होता है, तो लिख सकते हैं क्या हम लोग यल बराबर 20 × 3 और 3 को लिख सकते हैं क्या √3 × √3 और 2 रहने दीजिए, ठीक है ना, 20 तिया 60 2 तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ से हो जाएगा 2 और 2/√3 √3 से √3 कैंसिल और 20 × 2 = 40 हो जाएगा कितना भैया यल बराबर 40√3 मीटर, नोट कर लीजिएगा। हाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, √3 के साथ छेड़खानी मत करिएगा, √3 तब छेड़खानी करिएगा जब आपके उस क्वेश्चन में √3 के वैल्यू दिया रहे, चूँकि यहाँ किताब में हमारे √3 का वैल्यू दिया नहीं, इसलिए इसके साथ कोई छेड़खानी हम लोग नहीं कर रहे हैं,
नोट करिएगा, थोड़ा वाइट कर दे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, कह रहा 1.5 मीटर लंबा एक क्या है, लड़का है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण हो जा रहा है 30 डिग्री से 60 डिग्री, कह रहा है बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है। तो पहला पुल स्टॉप, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन के एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो पहला चीज, लड़का और भवन दोनों कहाँ खड़ा हुआ है, पृथ्वी पर खड़ा हुआ है। पहला काम होगा हमारा भवन, ये हमारा हो गया भवन, और इस भवन की हाइट दे दिया गया है, कितना दे दिया गया भाई, 30 मीटर का रहा है, 30 मीटर हो गया भवन की ऊंचाई, ये हो गया, ये भवन की ऊंचाई कितना है 30 मीटर, 30 मीटर भवन की ऊंचाई है, तो ये लिख दे रहे हैं h बराबर 30 मीटर। अब क्या कह रहा, 1.5 मीटर एक लंबा लड़का है, एक लंबा लड़का है, मान लेते हैं यही जो हमारे पास है वो एक 1.5 मीटर लंबा एक लड़का बन गया, ठीक है ना, ये हमारे पास एक लड़का हो गया। अच्छा, इस लड़के की जो हाइट दे दिया गया है 1.5 मीटर दे दिया गया है। अच्छा, लड़का कहाँ से देखेगा, अपने आँखों से देखेगा, और आँख कहाँ होता है, आँख एकदम ऊंचाई पर होता है। अब इतना अगर छोड़ दे तो नगण्य इतना मान लेंगे ना। अब ध्यान दीजिएगा, हम भवन को देखेंगे कहाँ से, इस आँख से देखेंगे। अब यहाँ से 30 मीटर था, अब डेढ़ घटा देंगे तो इस कंडीशन में एक क्या हो जाएगा, इतना, ठीक है ना, ये भी डेढ़ होगा, तो इसे डेढ़ को हटा देंगे, ठीक है ना। तो पहले हमारे पास 30 मीटर था, कितना था 30 मीटर, और डेढ़ मीटर हटा देंगे तो कितना जाएगा 28.5 मीटर हो जाएगा, मतलब अब उस भवन की ऊंचाई कितना हो जाएगा 28.5 मीटर, ये हो गया 28.5 मीटर। अब यहाँ से क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, अब क्या कह रहा है अगला, मतलब एक बार पुनः पढ़ रहे हैं, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से एक कुछ दूरी पर खड़ा है। अच्छा, वो दूरी मान लेते हैं कैपिटल एक्स मीटर है, कितना मान लेते हैं कैपिटल एक्स मीटर, अगर ये एक्स होगा तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा हमारे पास एक्स मीटर होगा। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि वो लड़का क्या करता है, भवन के तरफ चलता है, और जब भवन की तरफ चलता है तो उसका पहले उन्नयन कोणवा 30 डिग्री था, अब जब भवन की तरफ चला तो वही उसका उन्नयन कोण, मान लेते हैं लड़का चल करके हमारा यहाँ चलाया है, लड़का चल करके कहाँ चलाया है, यहाँ चलाया है, और जब यहाँ चलाया है तो उसका अब उन्नयन कोण कितना हो गया है, 30 से 60 डिग्री हो गया है। तो वही पूछ रहा है कि लड़का हमारा कितनी दूर चला है, तो मान लेते हैं लड़का हमारा इस्तेमाल एक्स मीटर दूरी चला है, मान लिया लड़का मीनार की तरफ इस्माल एक्स मीटर तक चला है, इस्माल एक्स मीटर दूरी तक चला है, इतना हो गया। अच्छा, इसका अगर नामकरण हम लोग कर दें सुंदर सा तो क्या होगा, इसका नाम ए कर दे, यहाँ बी कर दे रहे हैं, और यहाँ सी कर दे रहे हैं, यहाँ क्या कर दे रहे हैं भैया, डी कर दे रहे हैं। अब होगा क्या, ठीक है ना, अब यहाँ से तो बी सी कितना हो जाएगा, कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स हो जाएगा, ये डिस्टेंस हमारा जो होगा वो बी सी कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स होगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, बड़े त्रिभुज को लेते हैं, मतलब जो आपकी इच्छा के वो लीजिए, चूँकि हमारा मन बड़े का है, आपको जिसका मन का है उसका लीजिए, वो आंसर आपका आएगा अगर आप सही लगा रहे हैं तो। तो आइएगा समकोण त्रिभुज ए बी डी में,
अब क्या होगा, ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार है, तो लंब और आधार का रिश्ता कौन देता है, टैन देता है। तो टैन थीटा बराबर लंब, लंब हमारे पास है ए बी और आधार कितना हमारे पास है, बी डी है। अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, टैन थीटा, थीटा कितना बनना है 30 डिग्री, तो टैन 30 हो गया, और ए बी कितना हमारे पास है 28.5 मीटर है, ए बी हमारे पास कितना है 28.5 है, और बी डी हमारे पास कितना है पूरा कैपिटल एक्स है। टैन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 और 28.5 बटा कैपिटल एक्स। तो इस प्रकार से कैपिटल जो यक्स मिले हमें 28.5√3 मीटर मिला। चलिए हमने कैपिटल एक्स के वैल्यू को इतना निकाल लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, छोटे त्रिभुज को लेते हैं पुनः। अब इसी प्रकार समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए बी सी रहेगा, समकोण त्रिभुज ए बी सी में हो जाएगा टैन 60, टैन 60 थर्डली कर रहे हैं 28.5 बाई कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स। टैन 60 का वैल्यू √3 और 28.5 कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई बिटवीन, देन वी गेट कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स 28.5 बाई √3। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ कैपिटल एक्स, तो हो जाएगा कुछ क्या भैया, ध्यान दीजिएगा यहाँ से कैपिटल एक्स के वैल्यू को अगर हम लोग रख देंगे तो हो जाएगा कितना हमारे पास 28.5√3 माइनस स्मॉल एक्स 28.5 बाई √3। अच्छा बच्चा लोग एक काम किया जाए, अब इस एक्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, इसको इधर बुला लिया जाए, इसको लिख सकते हैं या 28.5√3 और इसके बाद में हो जाएगा माइनस 28.5 बाई √3 इक्वल हो जाएगा हमारे पास कितना स्मॉल एक्स, या लिख सकते हैं एक्स बराबर, थोड़ा सा कैलकुलेशन कम करने के लिए 28.5 को कॉमन लेते हैं। अच्छा रूट थ्री में गुणा करेंगे, रूट थ्री का तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और माइनस 1/√3 एक्स बराबर 28.5, 3 में से 1 गया 2, √3 हो गया। और उसके बाद में क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा एक्स बराबर 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16, 17 + 7 + 1 = 2, 2 × 4 = 5 हो गया, और 1 + 10 लगा दिए और 2/√3 है, इतना मुझे मिला एक्स बराबर 57/√3 मिला। अब 57 आया है तो 57 को लिख सकते हैं 3 × 3 = 3, 3 × 27 = 19, 19 × 3 = 27, यहाँ से लिख सकते हैं इसे हम लोग 3 × 3 = 3 हो गया, और 2 × 3 = 27 मतलब 19 × 3 = 3, 3 × 27 के साथ लगे 2 × 3 = 5, ठीक है ना। अब यहाँ से हम 57 को लिख सकते हैं क्या, 19 × 3 और 3 को √3 × √3 / √3, √3 से √3 हो जाएगा कैंसिल, और इस प्रकार से एक्स बराबर हमें मिलेगा कितना 19√3 मीटर, अर्थात हमारा वो जो लड़का था वो 19√3 मीटर मीनार की तरफ गया। नोट करिएगा, तब तक हम आंसर की मिलान कर ले रहे हैं। चलिए भाई आंसर का भी मिलान हो गया, सही है, मैच कर रहा है। क्वेश्चंस लंबा था लेकिन बहुत आसान था, एक बार मैं समराइज कर दे रहा हूँ। फिगर अगर समझ में आ गया तो सब कुछ, एक बार फिगर मैं फिर से बना दे रहा हूँ इस चीज़ के लिए। फिगर यही कह रहा था, मतलब क्वेश्चंस ये कह रहा था कि एक लड़का है, लड़का होगा तो उसका कोई ना कोई एक हाइट भी होगा। लड़का है 1.5 मीटर का, लड़का कई मीटर का है 1.5 मीटर का। चलिए ये लड़का हमने बना दिया, एक कलाकारी से नहीं मतलब है, समझने से मतलब है, ये हमारा एक लड़का बन चुका है, ठीक है ना। अब इस लड़के की जो हाइट दे दिया गया है वो 1.5 मीटर है।
अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एक चीज़ और है। क्या है भैया? हमारे पास एक मीनार है, यही एक मीनार हो गया। और इस मीनार की जो हाइट दे दिया गया वो 30 मीटर दिया है। कितना दिया है? 30 मीटर। अब ज़रा मानिए आप कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। समझ लीजिए हम ज़मीन पर खड़े हुए हैं, और यही समझ लीजिए हमारे पास एक मीनार है, जो कि इसकी हाइट इतना ना समझिएगा, ये समझिएगा कि ये भी इसका जो निचला भाग है वो भी पृथ्वी से लगा हुआ है, ये चीज़। अब हम अगर इसी को देखेंगे तो यहाँ से जब देखेंगे इस चीज़ को, तो हमारी हाइट अगर 1.5 मीटर होगी, अगर ये 30 होगा तो अब क्या करेंगे, इतना जो होगा उसका भी 1.5 होगा। मतलब क्या होगा कि ये जो पूरा हमारे पास मीनार था वो 30 तो था ही था। लड़का देख रहा है यहाँ से, आँख से देख रहा है, आँख मतलब उस व्यक्ति, उस लड़के की ऊंचाई होगी, क्योंकि जो आँख होता है वो क्या होता है, सबसे मैक्सिमम पॉइंट होता है। अब क्या होगा, लड़का यहीं से देख रहा है, तो लड़का यहाँ से देख रहा है तो इसका एक क्षैतिज कहाँ जाएगा, मतलब एक क्षैतिज जाएगा ना, और 1.5 है, पूरा 30 था ही, तो 28.5 हो जाएगा। और लड़का चल करके हमारा यहाँ चला आया है तो पहले 30 था, अब कितना हो गया, 60 हो गया। तो एक बार ये त्रिभुज लेंगे और एक बार छोटा लेंगे, तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि लड़का मीनार की तरफ कितना गया। लड़का मीनार की तरफ 19√3 मीटर गया है, नोट कर लीजिएगा। और हमारे जो क्वेश्चंस बाकी रह जाएंगे वो अगले वीडियो में, चूंकि लंबा हो रहा है टाइम, ठीक है ना, तो वो और जो सवाल बाकी रहेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम लगा देंगे। तब तक के लिए आप लोगों से नमस्कार। वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। गुड नाइट।